गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे गाइस। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इससे पहले आपने ड्रैग रेस देखी थी किसकी, नेक्सॉन वर्सेस थार की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके देखो, उसे बताना कमेंट करके कैसी लगी थी। ये मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा कौन सी वाली गाड़ी जीती थी, नेक्सॉन जीती थी या फिर थार जीती थी। आप वीडियो में जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी अब हम ड्रैग रेस करने वाले हैं स्विफ्ट 2023 VXi वर्सेस नेक्सॉन 2024। ठीक है भाई, इतनी तगड़ी ड्रैग रेस होने वाली है। देखता हूँ भाई मारुति लवर्स या फिर टाटा लवर्स कौन से आज भिड़ते हैं दोनों आपस में। बाकी अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, 1200 cc पेट्रोल इंजन जो 80 bhp निकालता है और 110 Nm लगभग टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बाकी अगर मैं इसकी बात करता हूँ किसकी, नेक्सॉन की, तो वो नेक्सॉन वाले भाई से पूछवाता हूँ। आर्यन भाई जल्दी आ जाओ फ्रेम भाग के। क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, आप बताओ। बा बढ़िया भाई, अपनी गाड़ी के बारे में बता दो भाई थोड़ा भाई, सा। देखो हमारी गाड़ी है अपनी 3 सिलेंडर 1.2 है, पर लेकिन है ये टर्बो। हाँ ये टर्बो है, तो इसके अंदर भाई 118 bhp आती है, 170 Nm आते है इसके अंदर टोर। तो भाई देखो इंजन वाइज देखे, वेट वाइज देखे तो सब में आ गए है। अच्छा क्या लगता है फिर भाई? देखो स्विफ्ट तो एसी ऑन का तो बता नहीं भाई, पर एसी ऑफ में तो भाई उड़ती हुई जाएगी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं ना, मेरे हिसाब से पावर बहुत तगड़ी बढ़ जाएगी इसमें। एक बार ट्रैक्शन ऑन करके देखेंगे फिर तो, क्योंकि पावर लैग आ रही है, मैंने देख ली ट्रैक्शन का मतलब ही है भाई। बाकी देखते हैं भाई, बेस्ट टू हमेशा ऑन रहता है। चलो भाई देखते हैं बाकी टाटा लवर्स। अच्छा पर्सनली एक बात बताओ भाई, दिल क्या गवाही दे रहा है भाई? दिल गवाही थार से भी की थी अभी हमने, तो कहीं ना कहीं क्या पता वहम तोड़ दिया हो किसी का। अगर अगर उसके अंदर वेट कम हुआ, मतलब वेट कम है ना, वेट कम ही 800 किलो वैसे नहीं, अगर बंदे बैठे ज्यादा हाँ, तो भाई उसको ये मेरे हिसाब से टक्कर दे सकती है। बाकी भाई एंड में ये निकल जाएगी, वो तो यार एडवांटेज जैसे जैसे करेंगे ना, फर्स्ट राउंड करते हैं नॉर्मल, जैसे फिर एडवांटेज इस गाड़ी को पड़ेगी उसमें। हाँ कोई नहीं, आप सीधा स्पोर्ट्स में चलाना है ना, क्योंकि इसमें सीधा स्पोर्ट्स ही है। ठीक है ठीक है, देख लिया कैसी है। बाकी भाई ऑडियंस से और पूछ लेते हैं भाई, कौन सी गाड़ी जीता है की बता। स्विफ्टी जीतेगी, ले इनकी गाड़ी है तो स्विफ्टी बता रहे हैं। तू बता भाई, भाई अपनी मारुति अपनी मारुति। अच्छा एक बार चल इसमें जीत जाएगी, और आपस में भिड़ा है मारुति और टाटा है ना, ये कोई मतलब ठीक बात नहीं करी। चलो भाई अपना ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत से भाई बोलेंगे भाई वेट, मतलब वेट कम है इस वाली गाड़ी में। एक ये वाला भाई बिठा दिया है मैंने, एक उसके पीछे भाई है हसरा भाई, खूब मन लगा के मैं इसे गाड़ी चलाऊंगा। लगभग 75 किलो वजन मेरे पास मेरे अंदर है। बाकी दो बंदे इसमें बैठे हैं, एक भाई फोन पकड़ेगा वो गाड़ी के ओनर है भाई। तीन बंदे बैठे हैं उसमें पहले से ही, आप ये मत बोलना वेट का हुआ भाई, वेट का तो भी है पर कोई नहीं। इसमें कितना है वैसे वेट? 1300 के आसपास, 1300 किलो है। ठीक है बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। इस वाले भाई को भी उसमें बिठा दूंगा फिर मैं लास्ट में, अगर वो वाली जीती तो ठीक है। ओके देखते हैं ठीक है भाई, ये सीट बेल्ट लगा लिए, सीट बेल्ट एसी अभी ऑफ है ना, या ऑन करूं? ऑफ कर लेते हैं पहले, एक बार ऑफ। एसी ऑफ है भाई इस वाले राउंड में, 5000 में हाथ भी जा रहा गाड़ी का। देखो चल भाई भाई, दे तो रही है शिफ्ट में टक्कर, 80 तक है। देखो भाई दिखा दो मीटर में, एक बार मीटर में दिखाना भाई अपनी गाड़ी भाई, 100 के बाद 100 से पहले पहले मतलब शिफ्ट को क्रॉस कर चुके। क्या लगता है स्पोर्ट्स मोड में चलाई थी सिटी पे है? सिटी पे तो स्पोर्ट्स में तो हराई देगी स्विफ्ट, मुझे लग रहा भाई मुझे अपनी लानी पड़ती लगा भाई उससे उसकी टक्कर खाएंगे कोई ना करते हैं भाई। चलो अभी एक बार सिटी पे करें, मैं वेट कम करूं फिर इसमें से, एक भाई को यहां भेज दो फिर उसमें ज्यादा हो जाएगा। कोई नहीं, नहीं हल्का एडवांटेज है या तो इसमें एसी ऑन कर लेता हूं। हां उसमें एसी ऑन कर लो, ये सही है। ठीक है
ना, कहीं तक भी ना गाड़ी, ये ब्रेक मार ले भाई। दोनों गाड़ी भाई एक्शन की मदद से ले जाते हैं। और भाई देखो ये मान लो अगर देखो एसी के बाद, हाँ एसी के बाद कितना ज्यादा गैप आ रखा है ये देख लो आप। और ना एसी के बाद नहीं भाई, एसी नहीं भाई देख लो भाई, एक बार मीटर में दिखा दो, अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई 120 भाई स्पोर्ट्स मोड है भाई उस गाड़ी का, ट्रैक्शन ऑफ है, एसी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो भाई अब वीडियो करते स्टार्ट। तो ये भाई जो इसका लैग है ना, लैग की वजह से मार खाते, पर ये है देखो भाई एक बार स्पीडोमीटर दिखा दो, अपनी गाड़ी भाई 100 के बाद क्रॉस कर चुकी है अपनी शिफ्ट। भाई ये बताओ क्या करनी है भाई, मैं कह रहा हूँ रोलिंग कर लेते हैं। रोलिंग चलो लास्ट राउंड रोलिंग है, ठीक है ना, दोनों पेट्रोल है, ठीक है देखते हैं, ठीक है भाई डन। ये वाला भाई फिर रोलिंग राउंड कर रहे हैं हम ना भाई। एक बात बताओ मजाक सेट के, गाड़ी 100 के बाद क्रॉस करती है, 100 पे या 100 के बाद क्रॉस करती है? हाँ भाई अगर ड्रैग की बात करें तो जो शुरुआत में सिटी मोड हुआ था ना उसमें भाई ये 90 की थी। हाँ ड्रैग की बात करें ना भाई, ड्रैग कहीं ना कहीं नेक्सॉन हारती है, कहीं ना कहीं हारती है भाई थोड़ा बहुत। हाँ अगर भाई पोटेंशियल की बात करें 100% नेक्सॉन जीतेगी। हाँ भाई अगर इसका ट्रैक्शन कंट्रोल बंद रहे ना तो ये गाड़ी उठा लेती है। हाँ ट्रैक्शन का बहुत, हाँ ठीक है समझ गया भाई मैं, वही है ना यार ट्रैक्शन वगैरह वो कंपनी ने ऐसी कॉस्ट कटिंग से की हुई है इंजन वाइज वगैरह भी, मतलब हाँ सही बात है सही बात है। चलो भाई अब ना ये रोलिंग है, ठीक है ये एसी ऑफ है भाई इसका, तीन बंदे बैठे फिर देख लो उसमें दो बंदे हैं। हाँ रोलिंग 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 पकड़ो भाई फोन पकड़ो या छोड़ तू, मैं ही पकड़ मैं ही बनाऊंगा। ये भाई रोलिंग राउंड है, ये देखो भाई 30 पे आती रोलिंग जीत गई है भाई 80 रोलिंग जीत गई है। वही है ना फिर उसमें लैग खत्म हो जाते हैं जो फर्स्ट सेकंड गियर में आते हैं, तो वो लैग अब इसको मिले नहीं है, तो भाई रोलिंग नॉर्मल सी बात थी, ये वाली जीतेगी गाड़ी, ये ब्रेक मार लिया मैंने, नेक्सॉन विनर है रोलिंग की। बाकी अगर ड्रैग की बात करते हैं भाई हम तो 100 तक अपनी स्विफ्ट विनर रहती है, वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, कमेंट करके बता देना मुझे। एसी ऑन कर लिया भाई अब तो गर्मी हो रही है, वीडियो करते हैं भाई अब यहीं खत्म, एंड करते हैं भाई से थोड़ी सी बातें करके। ये बस ना दे भाई बस यही जीतेगी भाई रोलिंग में, तो पहले ही पता था मुझे। आ जाओ बाहर आ जाओ। तो गाइस यही थी आज की ड्रैग रेस, बाकी भाई से और एक दो चीज़ और पूछनी है मुझे भाई। भाई देखो आपने सारे राउंड देख ही लिए होंगे, अब जैसे जैसे भी आप बता देना भाई विनर कौन सी गाड़ी थी। ये मत बोलना कि भाई अगर किसी को टाटा पसंद है तो टाटा को ही विनर बताए, मतलब बिल्कुल ऐसी बस चीज़ नहीं होनी चाहिए, कभी दोगलापंती कर दो आप। जो विनर थी सच्चाई बिल्कुल बताना, ऐसा कोई हम फन के लिए कर रहे हैं यार, कोई ऐसा कोई हेट नहीं है किसी गाड़ी के। बाकी भाई से पूछते हैं भाई क्या रहा आपका? भाई देखो नेक्सॉन का मैंने जैसा कि आपको कहा था, देखो लैग आता है, लैग की मैं हल्की फुल्की पीछे रहती है, हालांकि सिटी वाले पहले राउंड पे 80-90 तक निकल गई थी और रोलिंग में तो निकल ही जाती है। तो मैंने अगर इसका ट्रैक्शन काम ना करे ना तो भाई गाड़ी चीरती हुई जाती है। मैं इसका ट्रैक्शन ही वही जो 2-4 सेकंड का गैप बनाता है वो कवर करने में स्टार्टिंग में भाई लैग आता है। ये इंजन भाई सही बात, मजाक सट के एक बात बोलूं आपको, टाटा का इंजन बेकार है,
कोई सा भी इंजन ले लो, सफारी तक चले जाओ भाई आप, मतलब लैग आता भाई डीजल गाड़ी में, लैग आता है, आप क्या बात कर रहे हो भाई। फिर वही है ना, वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ही नहीं करता। हाँ हाँ यही तो बात है, सेफ्टी दे देंगे, तुम साढ़े भगा ही नहीं सकते। अब भगाएंगे तो भाई वही बात है। हाँ सही बात है भाई, समझ गया मैं। बाकी भाई यही थी आज की वीडियो, देखो स्विफ्ट वर्सेस नेक्सॉन हमने कर ली है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बता देना, और अगर आपको इस गाड़ी की किसी और गाड़ी के साथ, अभी तो बहुत सारी ड्रैग रेसेस बहुत सारी चीजें आने वाली हैं सो नेक्सॉन के साथ, आप बता देना मुझे भाई हमें ये वाली वीडियो बना के दिखाओ, तो हम भाई वो बना देंगे आपके लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। वीडियो देखने के बाद दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको भाई